इसको बोल के बोलना लैंड ग्रैबिंग का मामला है और कुछ नहीं। इसको बोल के पूछना कोई गरीब है ऑटो चलाने वाले है, उन्होंने एक एक दो दो रूम है, चार चार बच्चे हैं, उनको कहाँ लेके जाना, उन्होंने किसको बोल के पूछना। JCP लगेंगे, मकाना तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हमारे वहाँ आकर मकान तोड़े के बाद कहाँ तुम्हारे मकानों में आकर रहना हम लोग। ये ऑफिसर हम भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिधर उनका फायदा दिख रहा है उधर उनकी बात कर रहे हैं। हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, क्या देखती क्या करती, उधर से नोटा लेना, इधर खाली देखती बोला। कौन लिए, किधर लिए, सबके पास गए, मैडम के पास गए, हर एक के पास गए, खमर सलाम सब के पास गए, सब अहमद मेयर तक भी बोले थे आकर JCP से पर कोई भी चलाने आया तो मैं सो जाता हूँ बोलकर, सबसे पहले मैं सो जाता हूँ बोलकर, अब उनके पास गए तो सुनने की तैयार नहीं। हमारे रुकावट में रहीम एक्स कारपेंटर है और दूसरा रफीक है, ना रफीक को दिलाई सो है, ये बीच में ऑलरेडी कोर्ट में 6 केसेस है तो भी फिर रजिस्ट्रेशन करते बोलते तो क्या। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. मेरा नाम सैयद हैदर अली है, शेख रोज़ा 100 नंबर, सर्वे नंबर 100, बाबूराव। टोटल 25 एकड़ 20 घंटे ज़मीन है ये, इसके अंदर 4 एकड़ बाबूराव का आता, 4 एकड़ टोटली, बाकी का वाटर बोर्ड ऑफिस का है 6 एकड़, 11 एकड़ 20 घंटे मनसबदार वालों का है, उन्होंने इंटरनेशनल वालों को बेच दिए, उसका मसला नहीं है। मेन मुद्दे की बात, बाबूराव कुलकर्णी लेआउट 1990 में लिए इन्हों लेआउट 4 एकड़ खेत, उन्होंने लेआउट बनाकर डाले बगैर एनए का, मंडल पंचायत से अप्रूवड कर रहे थे, मंडल पंचायत में क्या करे उन्होंने पूरा को जो जो प्लॉट लिए थे प्लॉट डालकर दिए, 138 प्लॉट है टोटल, 138 प्लॉट में क्या करे उन्होंने पूरा का मंडल पंचायत का जिसको डाले थे जो जो लिए थे प्लॉट उनके मोटेशन सही है, प्लॉट नंबर के साथ घर नंबर के साथ पूरा मोटेशन कॉपी है, ये लेआउट कापी है इसके साथ। इसके बाद क्या करे बोल के उनकी बीवी 2011 में मर गए उन्होंने बाबूराव, 2011 में मरने के बाद उनकी बीवी क्या करी, जगह देखकर रिंग रोड है पूरा बेचे थे, पैसा नहीं मिला जबकि पीरियड में कम में गया था, अब लिए साले अच्छे है बोलकर क्या करें मालूम है। 2011 मरने के बाद उन्होंने तहसीलदार के साथ केस लड़े, मनसबदार वालों के साथ केस लड़े, केस लड़कर क्या करें, 4 एकड़ ज़मीन हमारे नाम से पानी में नाम चढ़ाओ बोलकर करे उन्होंने, जबकि 1991 में ही उन्होंने लेआउट डालकर बेच दिए थे, बगैर अन्य है ये लेआउट बगैर एनए। अब इसको हम रजिस्ट्री के पेपर दिखाओ तुम बोले तो एनए का रजिस्ट्रेशन होता है, कॉमन बात है, हर किसी को मालूम पड़ जाता एनए नहीं है ये, एनए रहा तो रजिस्ट्रेशन दिखाते तो मसला ही नहीं होता था, आप मीडिया उनको बुलाते थे भी नहीं, ये मसला इतना ही है। उन्होंने डाल दिया, उसके बाद क्या करे उन्होंने निर्मला भी मर गए, उनकी बाबूराव की वाइफ भी मर गई, मर जाने के बाद उनकी बेटी और दामाद चनबसप्पा निलकुड़ उन्होंने क्या करे रफीक नाम के एक शख्स को बेच दिया 4 एकड़ ज़मीन, जबकि केसेस चल रहे पूरे A to Z 2019 से 2017 से केसेस चल रहे, PDO की रिपोर्ट है, स्पॉट पंचनामा करे आकर और बिना फोड़ी किए हुए सर्वे करे, सर्वे करने हुए बिना फोड़ी करे सर्वे किए फोड़ी करे, उसके बाद पानी में नाम भी चढ़ा दिए, नाम चढ़ाने के बाद वो पानी ले जाकर रजिस्ट्रेशन कर लिए उन्होंने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या हो रहा जो लिए उन्होंने आते हमारे पास रफीक, इन्होंने आके क्या बोलते हैं जगह हम खरीदे सो है आप कोई हैश नहीं, काम नहीं करना कुछ नहीं करना बोलकर बोलते हैं इन्होंने, ये बगैर नहीं रजिस्ट्रेशन का एक पेपर लेके आते हैं इन्होंने सिर्फ, जबकि मंडल पंचायत में आता सब 2017 में CMC में आ गया, कॉरपोरेशन में 2017 में आ गया, 1991 में लिए साले कहाँ जाना था, ग्राम पंचायत का ही आता था, ग्राम पंचायत का पूरा रिपोर्ट है, अप्रूव लेआउट लेआउट कापी है, मोटेशन में सब कापियाँ हैं, वो पूरा फेक डॉक्यूमेंट है बोलते हैं उन्होंने, आधा गुलबर्गा पूरा बगैर अन्य है सब, किसको बोल के बोलना, लैंड ग्रैबिंग का मामला है और कुछ नहीं,
पैसा कम पैसा डालकर पैसा कमाने के लिए हो गया सो ये खेल। 4 एकड़ खरीदे नो 2.5 करोड़ रुपए में खरीद के 4 एकड़ ज़मीन। वो कैसा दिए पैसा क्या करे वो खैर उसका बोलना नहीं है। उसके बाद इन्हों क्या करते हैं मोटेशन हम रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोटेशन रोकने के लिए तहसीलदार के पास जाते हैं अर्जी देते हैं ऑनलाइन पर रुके हुआ भी होता मसला ऑब्जेक्शन है बोलकर बिना हेयरिंग किए बिना नोटिस जारी किए कुदरी साहब तहसीलदार बोल के है उन्हों ट्रांसफ़र लेते हैं। जाने से पहले क्या करते हैं उन्हों पूरा मोटेशन को आपके रफीक के नाम पे करके जाते हैं उन्हों मोहम्मद रफीक के नाम पे इन्हों करके जाते जाकर पूछे तो क्या बोलते हैं नहीं मोहम्मद ख्वाजा मलंग के हम नोटिस दिए थे ख्वाजा मलंग को बोल के। जबकि ख्वाजा मलंग को लेकर गए तो कौन है इन्होंने ख्वाजा मलंग बोलो बोले तो क्या है कि हमारे एक नेमालम जब जाकर पूछो बोलते एसी ऑफिस में अर्जी डाले 18 तारीख को सुनवाई है 3 साल होगा केस एक दिन नहीं आए उन्होंने एक दिन केस को पेशी हाजिर नहीं हो उन्होंने चंदबसप अनिल कुल घर चेंज करे वाचल्ला हॉस्पिटल में है आकर जाकर पूछे तो कुछ नहीं बोलते उन्होंने क्या है देखेंगे करेंगे केसेस है सब है इतना रहने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये किसको बोलना सौ पैसों का खेल है सा सौ पैसा दे के रजिस्ट्रेशन कर लिए वो खर्चा कर लिए ये कैसा कर लिए इतनी भी बात कर रहे हो सब कोई आकर पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लैंड ग्रामीण मामला हो जा रहा किसको बोल के पूछना कोई गरीब है ऑटो चलाने वाले हैं उन्होंने एक एक दो दो रूम है 4-4 बच्चे हैं उनको कहाँ लेके जाना उन्होंने किसको बोल के पूछना 4 एकड़ ऐसा दिखाते पीछे ज़मीन है अभी 55 प्लॉट बढ़ते हैं अभी 55 प्लॉट्स पीछे साइड 138 प्लॉट ऐसा बोल के दिखाते हैं उन्होंने लेंथ में जबकि ऐसा आड़े में है जगह ये दिखा के सब ए टू जेड हो जाता पूरा। अश्विनी कुमार बोलकर एडीएलआर ऑफिसर उन्होंने क्या बोलते हैं स्पॉट पंचनामा आकर देखकर ओएस नंबर देख डाल लेकर एक अर्जी देते हैं उन्होंने एडीएलआर ऑफिस में इसमें केसेस है मैं फोड़ी नहीं करता मैं सर्वे नहीं करता बोलकर प्लॉट है मेरा घर है प्लॉट नंबर 73 है घर बने सो है टैक्स भर रहे 20 साल से कॉरपोरेशन में टैक्स भर रहे इसका भी है ग्राम पंचायत से भी कर लिए वहाँ से भी कर लिए मेरे जैसे बहुत जने हैं साहब मेरे जैसे बहुत जने हैं गरीब से गरीब है मन को खाने वाले तक भी है वैसे लोग एक एक रूम है पीछे साइड एक रूम बना कर रहे सो इन्हों। अब किसको बोल के बोलना बोलने का मतलब इतना है 4 एकड़ ज़मीन का मामला है उन्होंने क्या बोलते हैं सिर्फ नहीं तुम फेक डॉक्यूमेंट दिखा रहे इन्होंने आकर क्या बोलते हैं पूरे डॉक्यूमेंट फेक है कुछ भी नहीं है तुम्हारा ये खेत है बोलते जबकि ये लेआउट है जबकि लेआउट है मंडल पंचायत से है ये खासरा पानी में बाबूराव का नाम रहता 2014 में क्या करते केस लड़ते तहसीलदार के साथ निर्मला उनकी वाइफ मोहन राव के साथ ये परमिशन लेटर है साहब कॉरपोरेशन से आया घर बनाने के लिए आकर तोड़ तुम बोलकर बोलते जे सी पी चला तुम बोलकर बोलते किसको बोलना हमारा बोलने का मतलब इतना ही है कि हमको सिर्फ जस्टिस होना और कुछ नहीं मांग रहे हम कौन लिए किधर लिए सबके पास गए मैडम के पास गए हर एक के पास गए खमर सलाम सब के पास गए सर अहमद मेयर तक भी बोले थे आकर जेसीपी से पर कोई भी चलाने आया तो मैं सो जाता हूँ बोलकर सबसे पहले मैं सो जाता हूँ बोलकर अब उनके पास गए तो सुनने को तैयार नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है हमको जस्टिस होना साहब। डिपार्टमेंट वाला ना कहाँ का साथ है सर आपका डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं दे रहा साहब साथ कोई भी जाकर पूछो तो डेट देते सिर्फ डेट देते उसको छोड़कर कुछ नहीं उन्होंने है इन्होंने है एसी ऑफिस में 18 तारीख को हियरिंग है सब अब तक नहीं है 3 महीने होगा मोटेशन होकर उनके नाम पे। मेरे भाई का मकान है वहाँ पर मैं रहती हूँ ये लोग आकर इतने दिन से रहने के बाद नहीं आए थे अब आकर इतना टॉर्चर दे रहे हैं जेसीपी लगाकर मकान तोड़ते वो तोड़ते तुम लोग मकान खाली करो बोलकर ये कैसे ज़बरदस्ती के बात है इतने साल से कहाँ थे वो लोग लेने के बाद हाँ कौन पूछने वाला नहीं है क्या सिर्फ लूट मार करना गरीब को मारना अपन जीना अमीर बनना ये काम का कानून है कानून भी अंधा हुआ क्या इंसाफ करने के लिए नहीं बैठा क्या गरीबों के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा आप लोग कानून वाले हम लोगों की मदद करेंगे और हमारा हक हमको दिलाएंगे ये धमकियाँ वमकियाँ देना छोड़ दो जेसीपी लगेंगे मकाना तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे हमारे वहाँ आकर मकान तोड़े के बाद कहाँ तुम्हारे मकानों में आकर रहना हम लोग अगर वहाँ पर दूसरी मर्तबा आकर धमकी देंगे तो हम पूरी पब्लिक आकर जितने भी हैं वहाँ घर उतने पूरे घर के लोग आकर तुम्हारे घर में रह जाएंगे बस इतना काफ़ी है मैं बोल दे रही हूँ। आपको कौन धमकी दे रही है कौन तोड़ने की बात कर रही है रहीम नाम के लोग आकर हमारे को धमकी देकर जा रहे हैं इतने साल से कहाँ थे जिस वक्त लिए उस वक्त होश नहीं थी सो गए थे हाँ नहीं है नहीं है नहीं है
नहीं है, अचानक बीच में पैदा हुई हूँ। हाँ, सभी जगह जा रहे कर रहे, वो लोग भी केयरफुल नहीं हो रहे, देखेंगे कितने दिन देखते हैं कि पैसा खा रहे होंगे, इसके लिए बोल रहे। डिपार्टमेंट से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या इंसान मांगेंगे? हमारा जो है हमको चाहिए वो, समझे? डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारा हक हमको दिलाना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। आधा डिपार्टमेंट तो बिक चुका है नोटों में, समझे? इसके लिए वो लोग अब उनका साथ देना चाह रहे हैं। हम लोग जब भी जा रही बता रही तो हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, क्या देखती हैं क्या करती हैं, उधर से नोटा लेना, इधर खाली देखती बोला। ठीक है, बस कानून जो भी है, कानून हमारे साथ रहेगा और हमारी मदद करेगा। नहीं तो सोचो, आप लोग भी गरीबों से सब कुछ जनता आती सो है, जनता से सब तुम लोग जीत को निकलते सो है। जब भी जेसीपी लगेंगे हमारे ऊपर से पहले लेकर जाना, उसके बाद घर तोड़ने के लिए जाना। मैं जो है सो ना कुछ मसला आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि ये ज़मीन जो है शेख रोज़ा सर्वे नंबर 100 की ज़मीन है, जिसमें ये सूबेदार फैमिली की ज़मीन है सब। ये 25 एकड़ 20 घंटे ज़मीन है, जिसमें 6.5 एकड़ जो है न्यू फिल्टर बेड को भी ये लोग दिए हैं, 3.5 एकड़ इनकी जगह जो है रिंग रोड में गई है, और उसके बाद बाकी की जो 15 एकड़ जगह बची है, ये जगह जो है इन्होंने 11 एकड़ 16 घंटे जो है इंटरनेशनल बिल्डर्स आजम साहब को बेचे हैं। 4 एकड़ ज़मीन जो है ये बाबूराव सन्ना शरणप्पा कुलकर्णी को 1990 में ये लोग बेचे हैं, जिसका सेल्डेड कॉपी मेरे पास है, सब रजिस्ट्रेशन कॉपी। उसके बाद जो है बाबूराव जो है 1991 में इन्होंने जो है एक लेआउट डालते हैं, डाल के जो है 138 प्लाट जो है इसमें सेल करते हैं इन्होंने, ये उसकी उनकी जो है लेआउट कॉपी है। ये अप्रूव्ड बाय मंडल पंचायत, ये अप्रूव्ड हुआ है 12/12/1991 में, ये लेआउट मंडल से अप्रूव्ड, ताज सुल्तानपुर से अप्रूव्ड हुआ है। इसके बाद जो है ये लोग कुछ लोगों को मोटेशन करा के दिए हैं, ये मोटेशन की कॉपी है जो मंडल पंचायत से हुई है। तो करीब 100 आदमियों का ऑलरेडी 1991 to 1993 ऑलरेडी मोटेशन हुए हैं इसमें, ये उनके कॉपीज हैं। और इसके बाद मंडल से खाता इशू हुआ, इसके बाद जो है एक मिनट, 2011 में जो है बाबूराव साहब का डेथ हो जाती है साहब, ये डेथ सर्टिफिकेट है उनका 2011 में डेथ होने के बाद जो है इनके दामाद साहब चन्नबसप्पा जो है इनके सास के नाम पे, निर्मला वाइफ ऑफ बाबूराव, इनके नाम पे जो है पानी में जो है नाम चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद लैंड फॉर सेल बोल के इन्होंने जो है ज़मीन का जो है एडवर्टाइजमेंट देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है तहसीलदार को जो है एक लेटर देते हैं सब थ्रू एडवोकेट कि भाई आप लोग ये ज़मीन बेचना नहीं, ये गैर कानूनी होता, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी बिक चुकी है। उसके बाद जो है हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं सब, ज़रा न्यूज़पेपर का इनकलाबे दक्कन में जो है 2015 में जो है मैं न्यूज़पेपर में भी दिया हूँ कि ये आप लोग ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पे होता है, ये आप लोग बेचना नहीं, वकील के थ्रू है साहब, आसिफ अली साहब एडवोकेट, आसिफ अली खान एडवोकेट के थ्रू उस ये भी और उर्दू में भी दिया हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिया हूँ। इसके बाद भी जो है इन लोगों का, इनकी अहलिया का जो निर्मला है, इनका नाम मोटेशन और पानी में चढ़ा देते हैं ये लोग। हम लोग उसको भी ऑब्जेक्शन करते हैं, एसी को लेटर दिया, हम ऑब्जेक्शन करने के बाद एसी का लेटर भी है कि इसमें कोई पानी में नाम या मोटिवेशन वगैरह नहीं होना। उसके बाद वो लोग सर्वे को आते हैं, उनका सर्वे भी हम लोग कैंसिल कराते हैं, ये सर्वे कैंसिलेशन रिपोर्ट है सभी। उसके बाद जो है ये लोग 2017 में निर्मला की भी डेथ हो जाती है सब, नीलम्मा का भी डेथ हो जाती है। तो 2017 में नीलम्मा के डेथ होने के बाद जो है वो लोग अपनी बेटी का नाम जो है फिर एज ए गिफ्ट डीड करके जो है उन्होंने फिर से जो है पानी में नाम चढ़ा देते हैं। ये उनका क्या बोलते हैं साहब, उंसावली, इसमें बेटी का 2012 का है, इसमें उनकी बेटी का नामो निशान नहीं है। और बेटी के नाम पर आने के बाद जो है हम
हम लोग ऑलरेडी जो है ना 5-6 केस करे हैं सब इनके ऊपर, कोर्ट में केसेस हैं और ऑलरेडी स्टे हैं इनके ऊपर। 2016 में हम तकरीबन 5 केसेस हैं इनके ऊपर और 2 केसों में स्टे भी है। उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग तहसील से और ADLR से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, इन्फॉर्मेशन और पेपर्स में देने के बाद भी ये लोग जो है ना इलीगली जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली कंप्लीट कर लिए हैं, जो गैर कानूनी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं। कोर्टों के अब तक कोई जो है ना फैसले आए नहीं, उसके बावजूद ये लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से कंप्लीट करके जो है रिसेंटली जो है एक रहीम नामी शख्स को जो है ना इन्हों ये जो ये जो है ना रिसेंटली एक रफीक नामी शख्स को ये लोग अपनी जगह बेचते हैं सब। कोर्ट में 5-6 केसेस रहने के बाद, इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहने के बाद भी जो है ये लोग रफीक को जो है ना ये जगह बेचते हैं और उसके आदमी आके हमको धमकी देते हैं कि ये हम जो है ना लेआउट रातें रात जो है ना JCP लगा के पूरा डेमोलिशन करेंगे, हमको किसी का बाप भी रोक नहीं सकता, दम है तो रोक के दिखाओ, ऐसे हमको धमकियाँ मिल रहे हैं। इसके लिए हम जो है तो ना ये मसला मीडिया में रख रहे हैं, लिहाजा हमको उम्मीद है कि मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारी मदद करेंगे और कोर्ट हमारा फैसला करेंगे। बस इतना ही आपसे बोलना था, बाकी के जो दूसरे प्लाट के ओनर्स हैं ये लोग अपने अपने राय रखेंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम नफत सलीम है, मैं बाबूराव के पास से, मेरा प्लॉट नंबर, मेरे 3 प्लॉट है, 66, 67, 68 मैं बाबूराव के पास से लिया सो है 92 में लेके, मैं अक्रमा सक्रमा में 2001 में 2 में रेगुलर करा लिया। रेगुलर करा के बाजाबता कॉर्पोरेशन में पैसे भर के परमिशन भी लिया, अक्रमा सक्रमा की स्कीम आई थी 2001 में। लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, मोटेशन भी कर लिया और उसके बाद में JESCOM में जाके लाइट भी लिया, वाटर सप्लाई बोर्ड में जाके नल भी लिया। अब इतने पूरे डॉक्यूमेंट रखने के बाद में भी उन्होंने हमारा घर तोड़ते बोले तो कौन सा कानून है? जो भी रजिस्ट्रेशन डबल करे, जो बाबूराव सूबेदार के पास से लिया, सूबेदार के पास से जो रजिस्ट्रेशन करा वो उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये ऑफिसर हम भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिधर उनका फ़ायदा दिख रहा है उधर उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर एक्चुअल कानूनी कार्रवाई होना। ऑलरेडी कोर्ट में 6 केसेस है तो भी फिर रजिस्ट्रेशन करते मिलते तो क्या मतलब ये? बाज़ आप अगर ये आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी सर, पंजाब नहीं मिलेगा, तो आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं हम पूरे एसोसिएशन बनाए, कोई भी आया बोले तो हम उसे रोक देते जब तक कोर्ट का जो डिसीजन नहीं होता ना। कोर्ट का जो भी डिसीजन होंगे अगर से उनके आए बोले तो उन्होंने ले लेंगे, हमारी है तो हमारे को मिलते, उनको हमारे ऊपर जो डिसीजन लेते लें दे। हमारा तो ये है डबल फेक रजिस्टर करें, इसके ऊपर रजिस्ट्रार को जो जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर्स है उनके ऊपर एक्शन लो और वो ओके। प्लाट नंबर 8 है, ये प्लाट है हमारा यहाँ का। हमारे को भी ऐसा दादागिरी करके बहुत से रोके, बहुत से दादा लोग आए, बहुत से दादा लोग चाकू बताए, तलवार बताए, हमारे ऊपर जुल्म करे, लेकिन हम भी फिर भी बना लिए। लेकिन ये दादागिरी कब तक चलेगी हम ये पूछ रहे हैं। ये हक पे रहने के बावजूद हमारे को हक नहीं मिल रहा है, ये कैसा इन लोग रजिस्ट्री करे, किस तरह करे, इन लोगों को मालूम किस तरह इन लोग पैसे खिलाए, किधर किधर खिलाए। वो रहीम कॉर्पोरेटर भी बार बार आता है, यही धमकी देता हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई? 2014 में जब ज़मीन बिक गई तो लेता कैसा, वो खरीदता कैसा, कैसे क्या दादागिरी करके खरीदा, किस तरह खरीदा, ये मालूम नहीं। ये है हमारा डिमांड, हमारे को इंसाफ चाहिए, हक वाले की चीज़ हक मिल जाना चाहिए बस। ये प्लाट का ओनर मैं हूँ, मेरे 3 प्लाट हैं, एक रजिस्ट्री प्लाट है और 2 बोले तो अनरजिस्ट्री है, यानी कि यानी नहीं है यहाँ पर लेआउट के अंदर पूरा। और जैसे क्या है मालूम है, आकर है ना धमकी दे दे तुम क्यों बना रहे बोल के, रहना मेरे को बहुत दफ़े है ना तकलीफ दिए, फिर भी है ना मैं बनाया हूँ। और जैसे ये जो करना ये हरकतें अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ। और जैसे कौन कैसे इससे लेता है उसको है ना क्या है, ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर है ना रजिस्ट्री कर लिए, किस वजह से कर लिए, तहसीलदार कैसा करा, हम भी है ना कंप्लेंट दिए सो है वहाँ पर, उस कंप्लेंट को है ना तहसीलदार देखा नहीं करा नहीं, खाली रजिस्ट्री करके छोड़ दिया। ADLR वगैरह सब मिल के करे हैं, क्या करे हैं, इसका है ना मसला हल कर दीजिए। यहाँ पर कौन कौन रुकावट में आ रहे हैं आपके बीच में? हमारे रुकावट में रहीम एक्स कारपेंटर है और दूसरा रफीक है ना, रफीक को दिलाई सो है ये बीच में, इससे पहले बहुत से जन आके चले गए सो है। और जो सो ना ये 2018 में है ना रहीम आया आकर है ना, हम 2014 में ले लिए सो है,
मैं अब लियो जब लियो वो करूँ ये करूँ बोलकर है ना हमारे से बहस करने लगा। इसका क्या है मसला, हल कर दूँ।